खाना के बारे में क्या कहना है? पपैदा 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 हे गुड इवनिंग एवरीवन और स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में सुबह सप्तमी लेकिन ये वीडियो तो आप लोग अष्टमी में देखोगे तो आप लोगों को सुबह अष्टमी भी एडवांस में लेकिन ये वाला ब्लॉग हम लोग बना रहे हैं सप्तमी के दिन में और ब्लॉग की शुरुआत करते ही हमें बहुत जोर का भूख लगा था इसीलिए हम लोग सोचे कि चलो भाई आज का जो डिनर है वो विवानो ग्रिल से स्टार्ट करते हैं जो हमारे हावड़ा का एक मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट है। हम लोग वहाँ आ तो गए हैं लेकिन तो देख लो ये रहा विवानो ग्रिल, नीचे में भीड़ देख लो एक बार, ये वेटिंग वाली भीड़ है। क्या बोलते हो? नहीं खाना, रास्ता से चौमिन खा लेंगे ठीक है, रेस्टोरेंट में घुसना ही नहीं है ना, आज तो बिल्कुल नहीं। और आज कुछ ज्यादा ही बाइकर नहीं दिख रहे, सप्तमी है ना। भीड़ देख लो भाई, भीड़ देख लो रेस्टोरेंट सब में, आज ये सब चक्कर में पड़ना ही नहीं है। आज तो ऐसा रेस्टोरेंट भी चलेगा जो रेस्टोरेंट में कभी एक दो कस्टमर भी नहीं रहता है। हम लोग के लिए सबसे बेस्ट है चाय बिस्किट, नहीं तो रोल बहुत ज्यादा होगा, चौमिन खा लेंगे। चेक आउट, ओके हां, डीमे रोनाल्डिनियो siendo una leyenda lo sabía desde niño fuese mi cariño comiendo el almuerzo me faltaba el aliño porque no frontea mini si tú tienes porte te lo juro no eres fea flow duro como un Lamborghini solo a las cosas como quieres y donde sea somos leyenda 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 le leyendas vivas somos leyenda 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 le leyendas vivas la gente pone las reglas para que los otros las sigan afuera afuera esa gente que siempre tiene esa manía somos तो अभी हम लोग का देख लो वो ये रोल हो रहा है, एक बस लास्ट रोल बचा हुआ था जिसको बोलते हैं बावर्ची रोल। रेस्टोरेंट का नाम भी बावर्ची है, बावर्ची का देख लो ये वाला रोल पैक करवा लिया हम लोगों ने। सस्ता है ये, 150 रुपए लगा ना, उस दिन खाए थे कितने रुपए लिया था? वो तो बहुत महंगा था। सस्ता भी कितना बड़ा देखो ना, मेरा हाथ उससे बड़ा है, हाथ से भी बड़ा। हाँ बहुत ही बड़ा, वही साहब काफी अच्छे खासे साइज का रोल है ये और पैकिंग भी काफी अच्छे से किया है। और इसके अंदर क्या नहीं है, अंडा मटन चिकन पनीर मतलब हर कुछ है, ऊपर से ऑमलेट तो है ही, बॉयल अंडा भी है। हाँ जी तो देख लो ये रोल को मैंने निकाल लिया है, इसको आराम से दो लोग शेयर करके खा सकते हैं, 150 रुपया प्राइस है, प्राइस मुझे इसका बहुत ही अच्छा लगा और हर कुछ है इसमें। भाई साहब इतना बड़ा है ना कि जब तक इसको वाइड एंगल नहीं कर रहा हूँ तो ये पूरे फ्रेम में आ भी नहीं रहा है। हाँ तो फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ ये बावर्ची का रोल, ऊपर तो कुछ मटेरियल है नहीं, सारा नीचे चला गया है, बहुत कुछ इसमें मिक्स है। और मैं एक चीज बोलूंगा, इसका जो टेस्ट है ना, लास्ट टाइम जो मैंने शॉर्टलेग वाला एक रोल ट्राई किया था ना, क्या नाम था उसका, अलादीन अलादीन ना, क्या नाम था, शॉर्टलेग का एक बड़ा सा रोल ट्राई किया था, वो तो वेज वाला था शायद, उससे ये थोड़ा ठीक है। मैं बोलूंगा ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ ये हम लोगों ने सामने में बनवाया ना, काफी कुछ अंदर गया तो हम लोगों ने देखा भी, तो रोल तो हम लोगों ने खा लिया है। भाई साहब वो कुछ ज्यादा ही हेवी रोल हो गया, पूरा ऑयली ऑयली एकदम, हाथ धोने के लिए हम लोगों को कितना मशक्कत करना पड़ा भाई, मतलब अभी भी हाथ मतलब चिपचिप कर रहा है। रोल मैं बोलूंगा ठीक था पैसे के हिसाब से, 150 रुपए के हिसाब से, लेकिन यार बहुत ऑयली था, बहुत ज्यादा ऑयली था। अभी रात का 12:30 बज रहा है, अभी भी माहौल देख लो। ऑलराइट तो यहाँ से अगर राइट साइड आप जाओगे ना तो ये सुरुचि सोंगो, बहुत अच्छा पूजा होता है यहाँ पे, अगर आज के दिन जाता हूँ ना बहुत भयानक लाइन रहेगा। और इस वाले साइड चेतला है, ये जो रास्ता जा रहा है ना ये चेतला, तो अभी हम लोग मैडॉक्स स्क्वायर से बाहर निकल रहे हैं, एकदम खचाखच भीड़ रहता था और इस बार पूजा मंडप भी एकदम नॉर्मल जैसा बनाया गया है। ये जो देख रहे हो ना पूरा स्टॉल रहता था यहाँ पे, हर ऐसा कोई ब्रांड, हाँ डोमिनोज का स्टॉल, पिज्जा हट का स्टॉल, केएफसी का स्टॉल, अरे बाप रे बाप काफी बड़ा चाय नहीं है। याद है कल हम लोग आए थे गुप्ता ब्रदर्स, हम लोगों को यहाँ का चाय बहुत पसंद आया था। हम लोग का जगह चेंज हो गया, पहले बलवंत सिंह हुआ करता था, फिर शर्मा टी, अब गुप्ता ब्रदर्स। चीयर्स दुर्गा पूजा के नाम, सप्तमी के नाम। तो पापा ही था, ये भीड़ को लेकर क्या कहना है? भीड़ ही नहीं है ये तो, सप्तमी के हिसाब से बॉस ये कुछ भी भीड़ नहीं है, वो भी ये वाला एरिया, यहाँ पे बाइक घुसाना मतलब दिमाग का माथा पच्ची हो जाता था पहले। यार पंचमी में हम लोग आए थे ना यहाँ पे, ऐसे ही भीड़ था, ऐसे ही भीड़ था, मैडॉक्स कर देख के जो डिसअपॉइंट हुआ, बाप रे। वही तो मैडॉक्स स्क्वायर में भी एकदम खाली, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है सारा क्राउड बुर्ज खलीफा गया हो सकता है, क्योंकि उसका बहुत हाइप है वो बुर्ज खलीफा का। और एक तो न्यूज में आ रहा है ना तुम्हारा वो फ्लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है बोल के बुर्ज खलीफा का लाइट बंद कर दिया, कल बहुत प्रॉब्लम हुआ था ये रात को, 6 पायलट कंप्लेन किया, 6 पायलट न्यूज में आ रहा था क्या? न्यूज में आ रहा था, बताओ ये भी बात है, एयरपोर्ट के पास भी है ना थोड़ा वो, इसीलिए
आज हम लोग ज्यादा पैंडल में तो नहीं घूम रहे हैं, जो रास्ते में जाते हुए दिख रहा है वहीं आ रहा है। बहुत ही सही लग रहा है, पूरा ओरिजिनल लग रहा है, पूरा एकदम सामने ही है। ऑलराइट, तो अभी हम लोगों ने एक चौमिन ब्रेक लिया था इतने देर बाद, और देख लो कितने लोगों से मीट हुआ है मेरा। भाई अपना अपना नेम बोल दो। साहिल, अमित, सुमन, शेख, सुमित। हाँ जी, तो देख लो अभी हम लोगों ने ये वेज चौमिन ले लिया है। वैसे भी टाइम कितना हुआ पापा, इधर 2:40 हो रहा है। अभी भी माहौल कुछ ऐसा है, देख लो अभी ऐसा हो गया ना, अभी हम लोगों ने चौमिन ले लिया, उसके बाद रियलाइज हो रहा है नहीं लेना चाहिए था, अभी खाने का मन नहीं कर रहा है। भाई साहब, ये ब्रिज से भी हम लोग जा रहे थे, पुराना याद ताजा हो गया। जब भी पहले दुर्गा पूजा घूम कर जाते थे ना, तो यहाँ पे देख लो जैसे ये लोग बैठे हुए हैं, ऐसे नीचे नहीं, इस पे हम लोग बैठे रहते थे, मतलब थके हुए रहते थे ना पूरा, यहाँ पे हम लोग बैठ के रहते थे काफी देर, यहाँ पे टाइम पास करते थे, मतलब 2:30 बजे घूम कर आ जाते थे, यहाँ पे बैठे बैठे 1 घंटा, मतलब समझ लो 3:30 बजे आ जाते थे हम लोग। देख लो अभी हम लोग ये बिरयानी वाले के पास से जा रहे हैं, आलिशान। तो अभी मैं अपने एरिया का जो पूजा मंडप हुआ है ना, घास बगान आकर मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे। मैं बहुत पहले भी घूमने आता था ना, तो इसी साइड बैठता था, और अभी भी आकर यहीं बैठा हूँ। और आपने आज नोटिस किया होगा, आज मैं आप लोग को ज्यादा पूजा मंडप नहीं दिखाया, क्योंकि देखो रोज आप लोग को पूजा मंडप दिखाऊंगा ना, आप लोग भी बोर हो जाओगे, क्या एक ही चीज मैं बार बार दिखा रहा हूँ। इसलिए मैं सोचा था आज अगर मुझे कुछ यूनिक पूजा मंडप दिखेगा तब मैं आप लोग को दिखाऊंगा, वरना नहीं दिखाऊंगा। और ये देख लो हमारे एरिया का हुआ है, ये कुछ राजस्थानी थीम टाइप का कुछ बनाया है, समझ में नहीं आ रहा क्या है, लेकिन ऊंट वगैरह देखकर समझ में आ रहा है कि कुछ राजस्थानी थीम है। बाकी आज हम लोग को कहीं भी ढंग का खाना भी नहीं मिला। पापा इधर, खाना के बारे में क्या कहना है? पापा इधर, पापा इधर, पापा इधर, पापा इधर, पापा इधर, पापा इधर, तो आधा नींद में। खाना का क्या बोलना, उसी से तबीयत खराब हो रहा है, एकदम अजीब सा लग रहा है। मतलब वो जो रोल हम लोगों ने खाया है ना, गला चल रहा है। और आज बहुत जल्दी टाइम दिखा दो कितना हो रहा है, अभी हम लोग यहाँ पे 3 बजे से ही बैठे हुए हैं, 3:47 हो रहा है, जबकि हम लोग 5 बजे तक हमारे में एनर्जी रहता है। आज देख लो 3:40 तक ही हम लोग एकदम लुढ़कने वाले हैं, बैटरी डाउन हो गया। और आज ज्यादा कुछ हम लोग घूमे भी नहीं, इसलिए आप लोगों को दिखाए भी नहीं। और एक बात है, जो भी लोग कोलकाता से देख रहे हो ना, तो कमेंट करके बताना नौमी के लिए अच्छा डांडिया कहाँ पे होता है, जो मैं जा सकूँ, जहाँ जाके मैं कवर कर सकूँ, कमेंट में जरूर बताना आप लोगों को अगर आइडिया हो तो। और एक बात तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गया, हमारे एरिया में एक रहते हैं जो कोलकाता पुलिस में काम करते हैं, अब हमारे एरिया में वो नहीं रहते हैं, वही आज हम लोग जब जा रहे थे ना न्यू ब्रिज से होकर जा रहे थे, वो तो वो मिल गए थे। उन्होंने मेरा वो कल वाला वीडियो देखा था जो मैं बोला था ना बाइक वगैरह को लेकर, काफी लोग काफी स्पीड में बाइक चलाते हैं, मतलब काफी कुछ बताया था मैंने, तो उस वीडियो को लेकर काफी अप्रिशिएट कर रहे थे। वो जो कोलकाता पुलिस वाले हमसे मिले थे, मैं उनका नाम तो नहीं ले सकता वीडियो में, लेकिन अगर आप ये देख रहे हो तो आपको थैंक यू सो मच हम लोगों को इतना अच्छा गाइड करने के लिए। आपने हमें काफी कुछ बताया जो मैं अपने वीडियो के थ्रू अपने ऑडियंस को भी मैं बताऊंगा, थैंक यू सो मच। वैसे तो आज हम लोग काफी लोगों से मिले, हमारा हावड़ा का पूजा देखकर तो बहुत ही खराब लग रहा है, खास करके इस वाले एरिया का इतना धूमधाम से होता था। हाँ, तो कल रात में जब घर आया, कल रात में नहीं सुबह में जब मैं घर आया, आकर तो एकदम गहरी नींद में सो गया मैं। उसके बाद अभी मम्मी थोड़ी देर पहले ही मुझे उठाई है, तो सबसे पहले तो मैं फ्रेश हुआ, फिर ब्रेकफास्ट किया, तो अभी मुझे याद आया कि मैंने ये वाले वीडियो को एंड नहीं किया है, तो अभी एंड कर देता हूँ मैं इसको। लेकिन मम्मी काफी लोग बोल रहे थे कि आप मम्मी को लेकर घूमने नहीं जा रहे हो। भीड़ तो हमको शुरू से इतना पसंद नहीं है, और भीड़ तो मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन ये बस आप लोगों को स्पेशली यहाँ का माहौल दिखाने के लिए मैं दुर्गा पूजा घूम रहा हूँ। तो होप कि आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा। वैसे आप कमेंट करके जरूर बताना कि ये दुर्गा पूजा वाला सीरीज आप लोगों को कैसा लग रहा है। मैं ट्राई कर रहा हूँ जब भी मैं बाहर जाऊँ कुछ ना कुछ आप लोगों को दिखाऊं बाहर का। और मम्मी को वैसे अभी पूछता हूँ घूमने के लिए, तो बोलती है तुम्हारे वीडियो से ही घूम लेते हैं, तो फिर अब क्या ही बाहर जाके क्या करेंगे, भीड़ से भी बचे रहते हैं और घूमना भी हो जाता है। चलो कोई नहीं, अगर आप लोग ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो तो ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।